भारतीय किसान यूनियन ने केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए विश्वासघात दिवस मनाया। इसी कड़ी में रामनगरी अयोध्या में भी भाकियू नेताओं के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने शहर के तहसील स्थित तिकोनिया पार्क में प्रदर्शन कर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी के प्रतिनिधि तौर पर पहुँचे तहसीलदार को सौंपा। इस दौरान किसानों ने अपनी मांग पूरी करने की मांग की है। भाकियू किसानों ने कहा कि बीते 13 महीनों से किसान अपनी मांगों को लेकर अनशनरत था, लेकिन कुछ मांगों पर आश्वासित करने के बाद भी सरकार किसानों की मांग पर ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि किसान सरकार की इसी वादा खिलाफी के विरुद्ध में किसान आंदोलन करता रहेगा। उन्होंने कहा कि यदि हमारी मांगों पर उचित संज्ञान नहीं लिया गया तो इसका परिणाम आने वाले समय में दिया जाएगा। वहीं किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि वादा खिलाफी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जय जवान जय किसान के भी नारे लगाए। हमारे पूरे हिंदुस्तान में ये कृषि प्रधान देश है और पूरे हिंदुस्तान में हमारे जो है ये आज वादा खिलाफी दिवस मनाया गया है। सरकार ने वादा, लिखित वादा किया था। हमारे किसान दिल्ली में 13 महीने बैठे थे और उसके बाद वहाँ पे सरकार ने जो है MSP के गारंटी के कानून के लिए बिजली के बिल, हमारे जो किसान घायल हुए हैं उनके मुआवजे की मांग, सारे लिखित आश्वासन दिए थे और कहा था कि हम इसकी एक कमेटी बना के जो है इसके कमेटी बनाएंगे और इससे कानून बना देंगे। लेकिन आज तक सरकार के कान में जू नहीं रेंगी, उन्होंने लालीपाप दिया और इसीलिए आज हमारा पूरे हिंदुस्तान में विरोध प्रदर्शन किसान कर रहा है और इस विधानसभा में, आने वाले विधानसभा में इनको सबक भी उत्तर प्रदेश में सिखा देगी कि किसान क्या होता है। ये कार्यक्रम यहाँ कोई प्रदर्शन करने का नहीं, ना हमारे धरना का था। ये जो दिल्ली बॉर्डर पे हम लोग आंदोलन चला रहे थे 13 महीना 14 दिन चला है, 13 महीना 14 दिन, उस पर जब मोदी वहाँ का हड़का और डेरा तो वो एक जाल फेंका हमारे किसान के ऊपर, हमारे ऊपर, कि इनको वार्ता ही करके धरना उठा सकते हैं और लाठी से, गोली से और पानी फुहारा से धरना नहीं उठा सकते। हम लोग किसान भोले भाले हैं, बात किया कि आपकी मांग सब जायज है, इस मांग को खत्म किया जाएगा। लिखा पढ़ी में जो वहाँ संसद में लिखा पढ़ी में कहा गया कि 1 महीने के अंदर अंदर ये धरना, ये जो मांगे हैं आपकी पूर कर दिया जाएगा, लेकिन 1 महीना से ये 3रा महीना लग गया है, वो मोदी अपने बात पे अटल नहीं आया। इसीलिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि अभी जो आप क्या कहते हैं हमारी वादा किए हैं, वादा अपनी पूर करिए, अगर नहीं करते हैं तो वो दिन नहीं, दिल्ली कहीं दूर नहीं है, हम लोग फिर से दिल्ली पहुंचेंगे।